असुरक्षित, असुरक्षित हस्तो जात। चौथा कारण अपना कौन सा? असुरक्षित हस्तो जात। अब अरुचि यानी कि हमारे काम करने के में रुचि तो है नहीं, हम काम कर रहे हैं तो दुर्घटना हो सकती है। विद्युत का काम में हमें तार तो लगाना है नहीं, लेकिन पापा ने कह दिया बेटा तार लगा के आ जा, लट अपने मीटर में से तार हट गए और आप जा रहे हैं, तो फिर अगर हमें रुचि नहीं है और फिर भी जाने जाना पड़ रहा है दबाव से जा रहे हैं, तो अरुचि है हमारी, तो हम दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। असावधानी, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे, प्लास से काम कर रहे हैं और प्लास के ऊपर इंसुलेशन हटा हुआ है यानी हमारी सावधानी नहीं है, या असुरक्षित हस्त हो जा रहे तो वो हो जाएगी दुर्घटना, सावधानी नहीं रखेंगे हम। हमें पता है कि हमको बताया जाता है कि भाई प्रैक्टिकल में या जब भी विद्युत का काम करें हम तो जूते पहनने चाहिए, और जूते नहीं पहन के काम करेंगे तो वो आ जाते। तो मैं डिटेल तो कम समझा रहा हूँ, हमें तो बस केवल ये बस समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ तो हम पढ़ा देते हैं क्लास में। अब जो मैं आपको मोस्ट मोस्ट जो क्वेश्चन है वो समझा रहा हूँ कि निम्न में से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है। तो ये जैसे ये तो दुर्घटना के कारण है और एक लिख देगा और कोई सा भी लिख देगा तो वो नहीं रहेगा, जब निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण है तो लिख देगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये नोट करते चलना दुर्घटना के कौन कौन से कारण हैं, ठीक है ना। उसके बाद अब दुर्घटना, भाई हमने कारण पढ़ लिए, निवारण पढ़ लिए, अब उसके बाद फिर भी दुर्घटना घट जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, और क्या करना चाहिए कि दुर्घटना कम से कम हो। तो सबसे पहले है सेफ्टी साइन यानी सुरक्षा चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्हों में लिखो सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह जो चार प्रकार के हैं, सबसे पहले है निषेधात्मक चिन्ह। कौन कौन सा होता है? निषेधात्मक, निषेधात्मक चिन्ह। अब निषेधात्मक चिन्ह होता है जो हमें कैसे याद रखना है, बस तुम तो निषेधात्मक चिन्ह में यह याद रखो कि ये कौन सा होता है? वृत्त आकार का होता है। कौन सा आकार का होता है? वृत्त आकार का होता है, यानी कि लिखो वृत्त आकार, वृत्त आकार, सफेद, सफेद पृष्ठ पर, सफेद पृष्ठ, सफेद पृष्ठ पर, सफेद पृष्ठ पर काला चिन्ह। पृष्ठभूमि होती है जो सफेद होती है, ये यानी कि ये पृष्ठभूमि होती है जो कौन सी होती है? सफेद होती है। और इस पे जो चिन्ह बनाते हैं वो कौन सा होता है? काले चिन्ह का, काले रंग का चिन्ह होता है। और ये बताता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, निषेधात्मक यानी मना करता है किसी काम को करने की, क्या करता है? मना ही करता है। उसके बाद दूसरा चिन्ह है हमारा आवश्यक चिन्ह। दूसरा कौन सा है? आवश्यक चिन्ह। हमें हमसे ये पूछा जा सकता है निम्न में से किस चिन्ह की जो आकार है वो वृत्ताकार है, तो उत्तर आएगा निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है। दूसरा चिन्ह है जो हमारे पास है वो होता है आवश्यक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? आवश्यक, आवश्यक चिन्ह। अब ये जस्ट इसके बिल्कुल उल्टा है, यानी कि ये तो किसी काम को मना करता है, तो ये किसी काम को आवश्यकता, आवश्यक रूप से करने की सलाह देता है, जैसे दस्ताने पहनो ऐसे कुछ की, ठीक है ना। तो ये आवश्यक चिन्ह, तो ये भी वृत्ताकार का ही होता है, वही वृत्ताकार में होता है, और नीली पृष्ठभूमि पर, नीली पृष्ठभूमि पर, नीली नीली पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह होता है। कौन सा होता है? सफेद। पृष्ठभूमि नीली होती है, नीली पर सफेद, आवश्यक चिन्ह नीली पर सफेद, आवश्यक नीली पर सफेद, ऐसे लिख लेना, कोई ट्रिक बना लेना, मतलब तुम्हें कैसे भी याद करना है तो ट्रिक से तुम्हें याद करना है, नीली पर सफेद आवश्यक, आवश्यक है किसकी? नीली पर सफेद लगाने की आजकल, ठीक है ना। निषेधात्मक है सफेद पर काली, निषेधात्मक है क्योंकि सफेद धंधा है, यानी कि सफेद हम कोई काम करते हैं तो उसको आजकल ब्लैक काम दे दिया जाता है, यानी कि वो मना होता है ब्लैक काम करने का, यानी कि ब्लैक धंधे करने की सरकार मना करती है फिर भी लोग बाग करते हैं, तो निषेधात्मक यानी निषेध लगा रखा है सरकार ने ब्लैक वाले पे, तो ब्लैक बाद, और फिर भी कौन से काम करते हैं? ब्लैक सफेद काम को, तो ये आप ट्रिक से याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद है चेतावनी चिन्ह। चौथा अपने तीसरा कौन सा है?
चेतावनी चिन्ह। तीसरा है चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह अपने पास है कि भाई ये इसका जो आकार होता है वो कौन सा होता है, त्रिकोण। आकार है जो कौन सा होता है, त्रिकोण, त्रिभुजाकार, त्रिकोण, त्रिकोण, कौन सा होता है, त्रिकोण होता है इसका आकार। आकार तो होता है इसका त्रिकोण और पीले पर काल, पीले पर काला, यानी कि पीली पृष्ठभूमि पर पीली पृष्ठभूमि पर क्या होता है, काला निशान होता है, काला चिन्ह बनाते हैं हम। त्रिकोण पीले पर काला, याद रख लेना, चेतावनी जो चिन्ह है जो त्रिभुज आकार का होता है और पीली पृष्ठभूमि होती है और उस पर काला चिन्ह बनाते हैं, और ये किसी की हमें चेतावनी देता है चिन्ह कि आगे जैम फाने वाला है, जैसे रोड पर लगा होता है ना कि आगे जैम आने वाला है या रेलवे फाटक आने वाला है, तो उनकी पृष्ठभूमि कौन सी होती है, पीली, और उस पर चिन्ह कैसा होता है, काला, याद रखना है चेतावनी चिन्ह। फिर उसके बाद सूचना चिन्ह, चौथा नंबर का है अपना सूचना चिन्ह, सूचना, सूचना चिन्ह, सूचना जो चिन्ह है वे या तो वर्गाकार रूप में पाई मिलता है या फिर आयताकार में मिल जाता है, किसमें मिलता है, वर्ग या आयताकार का होता है सूचना चिन्ह। और इस पर क्या होता है, ये याद रखना, हरे पर सफेद, हरे पर सफेद, हरे पर क्या होता है, सफेद, सूचना चिन्ह वर्ग आयत हरे पर सफेद, याद रखना, सूचना जो चिन्ह है जो या तो वर्ग आकार का होता है या आयतार आकार का होता है। देखो ऐसे भी आ सकते हैं, देखो वर्ग दो अक्षर हो, हरे भी दो, ये नीला पीला तो ये क्या थोड़ा बड़ा हो जाता है, हरे तो छोटा सा आता है तो वर्ग भी छोटा ही। कैसे भी कोई भी ट्रिक लगाओ तुम्हें तो ये याद करना है बस, ये ऐसे ही बनता है कि निम्न में से किस चिन्ह का आकार वर्गाकार है, तो सूचना चिन्ह का, किसका आएगा, सूचना चिन्ह का, ऐसे आ सकता है। उसके बाद है अपने पास भाई चिन्ह भी पढ़ लिए, कारण निवारण भी पढ़ लिए हमने दुर्घटना के, फिर भी कोई दुर्घटना हो गई तो उनके लिए हमें कुछ बचने की जो विधि होती है, जो कृत्रिम श्वास विधि होती है, वे कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले है सेफर विधि, सबसे विधि कौन सी है, पहली विधि कौन सी है, सेफर विधि। अब ये लिख लेना आप, ये क्या लिखवा रहा हूँ मैं, कृत्रिम श्वास देने की विधि, कृत्रिम श्वास देने की विधि है जो कितने प्रकार की होती है, चार विधि, कितने विधि, कितने प्रकार की विधि होती है, चार विधि, आप कॉपी पेन में लिखते चलना, बस कॉपी पेन में आप लिखते चलना कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की, कौन कौन सी। तो सबसे पहली विधि का नाम है सेफर विधि, कौन सी विधि है, सेफर विधि, सेफर विधि। यार ये मिटा और नहीं रहा थोड़ा, देखो कौन सी विधि है, सेफर, सेफर विधि। सेफर विधि में क्या है, उल्टा लेटाते हैं क्योंकि कमर पर चोट आती है। सेफर विधि में हमें क्या याद कर रखना, बस केवल इतना याद रखो कि हमें इसमें क्या करते हैं, मरीज को कैसे लिटाते हैं, उल्टा लिटाते हैं, उल्टा क्या करते हैं, लिटाते हैं, लिटाते हैं। सेफर विधि में हम मरीज को उल्टा लिटाते हैं, उल्टा क्यों लिटाते हैं, क्योंकि उल्टा इसलिए लिटाते हैं क्योंकि कमर में चोट आ गई, इसलिए तो उल्टा लिटाते हैं। तो ये प्रश्न ऐसे बन सकता है कि किस विधि में मरीज को उल्टा लिटाया जाता है, तो किस विधि में, सेफर विधि में, किस विधि में लिटाया जाता है, सेफर विधि में। दूसरी विधि है, दूसरी विधि है अपने पास सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि। दूसरी विधि कौन सी अपने पास,
सिल्वेस्टर विधि, इसमें मरीज को सीधा लुटाते हैं, सीधा लिटाते हैं। बस ये याद रखना है तुम्हें, तो सिल्वेस्टर विधि में मरीज को सीधा लिटाते हैं। सीधा क्यों लिटाते हैं? क्योंकि मरीज के सीने में या पेट पे कहीं पे चोट आ गई, इसलिए सीधा लिटाते हैं, क्योंकि चोट के बल तो लिटा नहीं सकते ये, ठीक है ना, सिल्वेस्टर विधि में। अच्छा, उसके बाद है अपने पास मुंह से मुंह विधि, तीसरी और चौथी है मुख से नाक विधि। मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि, और चौथी अपनी मुंह से नाक विधि। मुंह से नाक विधि, मुंह से नाक विधि। तो मुंह से जो नाक विधि है और मुंह से मुंह विधि, इस विधि में सबसे पहले तो हमें इन विधियों का उपयोग तब करते हैं जब मरीज की हालत, मतलब उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है या सांस नहीं लिया जा रहा है, तब हम इन विधियों का उपयोग करते हैं सबसे पहली विधि तो, ठीक है ना। क्वेश्चन बन सकता है कि यदि मरीज की हालत सांस लेने में, मरीज को सांस लेने में तकलीफ है तो किस विधि का उपयोग करेंगे हम, मुंह से मुंह विधि का या मुंह से नाक विधि का। अब मुंह से मुंह विधि में और नाक विधि में सबसे पहली सावधानी ये है कि मरीज के यानी पीड़ित व्यक्ति के जो मुंह में पान तंबाकू उसने जो खा रखा उसको निकालना पड़ता है, ठीक है ना। और उसके बाद मुंह पे कपड़ा रखते हैं और उसके बाद मुंह के मरीज के मुंह से, अपने खुद के मुंह से और मरीज के मुंह पर एक मिनट में 20 से 15 से 20 बार हवा दी जाती है, यानी श्वास दिया जाता है उसको अपने मुंह से, उसको बोलते हैं मुंह से मुंह विधि। मुंह से नाक विधि में यानी कि अपने मुंह से मरीज की नाक में हवा दी जाती है, ठीक है ना। ये करना पड़ता है भाई, अभी हंसने की बात नहीं है, ये करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद है एक क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार कि कितने वोल्ट तक आदमी को खतरा नहीं लग, झटका नहीं लगता, तो लिख लेना 90 वोल्ट तक, 90 वोल्ट, 90 वोल्ट तक की विद्युत को, विद्युत को क्या नहीं लगता हमें, हम 90 वोल्ट तक की विद्युत को हम आसानी से अपने हाथों से छू सकते हैं, अपने हाथों से छू सकते हैं, हाथों से छू सकते हैं, छू सकते हैं। लिख लेना कितने वोल्ट तक झटका नहीं लगता, 90 वोल्टेज तक झटका नहीं लगता। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब कुछ जो फुल फॉर्म है वो मैं और लिखवा देता हूँ, ये फिर हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं आज के इस वीडियो का, आपको रोजाना इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो आप ये वीडियो सभी तक पहुँचा दो और इस वीडियो को आप देखते समय स्किप मत करना बस, ठीक है ना। ये बात मेरे को पहले ही बोलनी थी, अब बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, स्किप आप नहीं करना इस वीडियो को। तो सबसे पहले BIS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किसकी, BIS की, BIS, तो BIS की फुल फॉर्म है सबसे पहले लिख लेना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसी को हम ISI बोलते हैं, ISI, भारतीय मानक संस्थान, ठीक है ना, भारतीय मानक संस्थान ISI की, और इसी को हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखो ISO की, ISO की है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन ठीक है ना। आप ये फुल फॉर्म किताब में भी देख लेना, आपकी किताब में सब लिखी हुई है ठीक है ना, तो वहां से भी लिख लेना आप। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही है तो ये मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, फंसते हैं, तो आप इनको नोट कर लेना सभी को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं ऐसे लिखवाता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही मोस्ट ऐसे बनते हैं इनमें क्वेश्चन। जैसे JIS जापानी इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, ये JIS की फुल फॉर्म है, जापान की है ये। उसके बाद है BSI की फुल फॉर्म, ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन ठीक है ना, तो ये BIS की फुल फॉर्म है। DIN की डच इंडस्ट्रीज नॉर्मन, ये जर्मनी की है। DIN कहाँ की संस्था है, जर्मनी की। उसके बाद है GOST 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 ये रशियन की यानी रूस की है। ASA यानी कि इसके फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। उसके बाद है तीसरा चैप्टर जो टूल होता है, टूल जो अपना जो चैप्टर, उसमें से देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज में 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आप लिख लेना, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्टैंडर्ड वायर गेज की फुल फॉर्म पूछी जाती है, SWG की फुल फॉर्म यानी स्टैंडर्ड वायर गेज। उसके बाद स्टैंडर्ड वायर गेज में कितने खांचे होते हैं, तो 36। सबसे जो पतला तार होता है वो कितना नंबर का होता है, 36। सबसे मोटा तार है जो कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का। ये स्टैंडर्ड वायर गेज किसका बना होता है, तो स्टील का। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वायर गेज पढ़ना। दूसरा क्या पढ़ना है, फाइल के जो प्रकार दे रखे हैं वो पढ़ लेना, कितने प्रकार की फाइल होती है, कट के आधार पर कितने होती हैं ठीक है ना, और आकार के अनुसार कितने होती है, ऐसे ये फाइलों के ये पढ़ लेना। तो और तो क्या बोल इसमें से तो यही क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर है। बाकी तो और सब नॉर्मल हो जा रहे हैं, जैसे हथौड़ी, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर जो भी है, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, और जिमलेट है, चीजल है, ये सब नॉर्मल है। इनके क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, अधिकांश या तो SWG से पूछता है या फाइल से क्वेश्चन पूछता है दूसरे चैप्टर में। उसके बाद अगली वीडियो हम आपको कल अपलोड करेंगे इसी समय इसी टाइम, तो बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको हम ये जरूर विश्वास दिला रहे हैं कि आपके पेपर है 1, 2, 3 मार्च को, हम आपको 28 फरवरी से पहले आपका कोर्स करा देंगे। 27 फरवरी को हम आपका कोर्स करा देंगे ठीक है ना। तो धन्यवाद, नमस्कार।